Hi everyone, welcome to EduTap and welcome to this video. So, in this video, we are going to discuss the exam pattern of FCI. So, we know FCI notification is being expected to come right. तो आई एम अज्यूमिंग आप लोगों ने पढ़ाई स्टार्ट कर दी होगी एंड यू माइट बी इंटरेस्टेड इन नोइंग द एग्ज़ाम पैटर्न ठीक है अगर आपने स्टार्ट नहीं किया है आपको जानना है क्या है एफ सी आई इसका एग्जाम पैटर्न क्या है सो यू आर इन द राइट प्लेस आई एम गोइंग टू टेल यू इन दिस वीडियो कि क्या एफ सी आई का एग्जाम पैटर्न रहता है इन डिटेल ठीक है बट बिफोर स्टार्टिंग इफ यू आर न्यू टू आर यू चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब टू आर यूट्यूब चैनल एंड इफ़ यू वॉन्ट टू डाउनलोड द पी डी एफ ऑफ दिस लेक्चर यू कैन ज्वाइन एस ऑनअर टेलीग्राम चैनल सो विद दैट लेट्स स्टार्ट द सेशन सो सबसे पहले बात करेंगे एफ के एग्जाम पैटर्न की तो एफ का जो एग्जाम है वो दो फेज में होता है फर्स्ट वी हैव इज अ फेज वन फेज वन आप क्लियर करोगे देन यू विल बी एलिजिबल फॉर फेज टू नाउ द क्वेश्चन अराइजेस क्या इंटरव्यू होता है सो स्टूडेंट्स नो देर इज नो इंटरव्यू ओनली यू हैव टू क्लियर दीज टू फेजेस ठीक है फेज वन का जो पैटर्न है दैट इज सेम फॉर ऑल द कैटेगरी स्टूडेंट्स बी यू आर applying फ्रॉम जनरल बी यू आर applying फ्रॉम accounts, डीपो टेक्निकल कोई भी कैटेगरी में आप अप्लाई कर रहे हो तो आपका phase वन का जो पैटर्न है that is सेम क्या पैटर्न है सो so, आपका इंग्लिश रीजनिंग न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड से क्वेश्चन होंगे देन आपका जी एस और जी ए दैट इज करंट अफेयर वहां से क्वेश्चन होंगे नंबर ऑफ क्वेश्चन देख लेते हैं इंग्लिश के क्वेश्चन होंगे ट्वेंटी फाइव मिनिमम मैक्सिमम मार्क्स विल बी ट्वेंटी फाइव और जो टाइम ड्यूरेशन है आपको वो 15 मिनट्स का मिलेगा देर इज अ सेक्शनल टाइमिंग हेर ओके यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग आपको 25 क्वेश्चन करने हैं 15 मिनट में ठीक है देन यू हैव रीजनिंग एबिलिटी अग्न नंबर ऑफ क्वेश्चन इज ट्वेंटी

करंट अफेयर से यू विल गेट फाइव क्वेश्चन ठीक है पांच क्वेश्चन आपके करंट अफेयर के होंगे सो अगेन टाइम ड्यूरेशन हेयर इज 15 मिनट्स लैंग्वेज की अगर बात करें तो इंग्लिश को छोड़ के यू कैन सी एवरी थिंग यू कैन गिव इन हिंदी ऑल्सो मीन बायो इज ऑप्शन हेयर सो इंग्लिश का पेपर इंग्लिश में होगा रेस्ट बायो इज ऑप्शन आप हिंदी इंग्लिश में कोई भी ऑप्ट कर सकते हो फॉर अदर कैटेगरी अदर सेक्शन ठीक है नाउ नेचर ऑफ क्वेश्चन इस तरीके से देखो एक लाइन ऐड की है एफ ने कि द नेचर ऑफ क्वेश्चन विल बी सच दैट दैट दे डू नॉट रिक्वायर एनी स्पेशलाइज स्टडी फॉर एनी डिसिप्लिन अब आपको ये लग रहा होगा कि फेज वन में इस पर्टिकुलर डिसिप्लिन के लिए एडवांटेज है या क्वेश्चन ऐसे होंगे कि एक पर्टिकुलर डिसिप्लिन को एडवांटेज मिले तो ऐसा नहीं है एफ ने साफ नोटिफिकेशन के नीचे दिया है ये ट्वेंटी के नोटिफिकेशन की बात कर रहे हैं ठीक है ट्वेंटी के नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग आई एम टेलिंग यू द एग्जाम पैटर्न क्लियर तो यहाँ पे साफ दिया है कि कोई पर्टिकुलर डिसिप्लिन की ज़रूरत नहीं होगी इस तरीके से आपके क्वेश्चन होंगे अब अगर आपने फेज़ वन क्लियर कर लिया है देन यू विल बी एलिजिबल फॉर फेज़ टू और फेज़ टू का एग्जाम पैटर्न हर एक कैटेगरी के लिए डिफरेंट होता है ठीक है लेट एंड अस अंडरस्टैंड क्या डिफरेंस है यहाँ पे सो so स्टूडेंट्स देखो आपकी डिफरेंट पोस्ट होती है ए जी थ्री के अंदर भी डिफरेंट पोस्ट है हमने डिस्कस कर लिया जनरल मैनेजर टेक्निकल ब्लाबला राइट सो यहाँ पे अब हर एक पोस्ट को पोस्ट कोड दिया जाता है लाइक सिविल इंजीनियरिंग को ए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को बी स्टेनोग्राफ को सी ऐसी टेक्निकल को एच अलग अलग पोस्ट कोड दिया जाता है एंड वी हैव टू पेपर इन फेज़ टू यूजुअली फेज टू में आपके दो पेपर होंगे क्लियर पेपर वन एंड पेपर टू देखो आपने अपना क्या करना है वेन एवर यू आर सींग योर कैटेगरी अपना पोस्ट कोड देखो और कौन सा पेपर आपने देना है पेपर वन पेपर टू बिकॉज किसी किसी कैटेगरी में ओनली पेपर वन इज रिक्वायर्ड लाइक फॉर एग्जाम्पल आई शो यू इन ए जी थ्री जनरल में ओनली पेपर वन इज रिक्वायर्ड पेपर टू नहीं होगा इनका ठीक है अकाउंट्स में पेपर वन पेपर टू होगा टेक्निकल uh, में पेपर वन पेपर टू होगा डिपो में पेपर वन होगा ओनली हिंदी में अग्ञान पेपर वन पेपर टू होगा ठीक है सो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपने अपना पोस्ट कोड देख लेना है और आपने कौन कौन सा पेपर देना है वंस यू नो दिस देन अब देखते हैं आपका जो पेपर वन अगर आप दोगे तो उसमें क्या आएगा और पेपर टू दोगे तो उसमें क्या आएगा ठीक है तो पेपर वन अगर हम देखें तो पेपर वन विल बी ऑफ 120 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, ठीक है पहले आपका जो पेपर वन होगा वहाँ पे 120 ट्वेंटी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे 90 मिनट्स आपका ड्यूरेशन होगा और जो पेपर टू है दैट विल बी पोस्ट स्पेसिफिक लाइक अगर आप टेक्निकल का देते हो तो आपको आप, आपने बी एस सी एग्रीकल्चर अगर आपने ऑप्ट किया है देखो टेक्निकल में भी दो ग्रुप होते हैं एग्रीकल्चर ठीक है बॉटनी जोलॉजी एंड एग्रीकल्चर फिजिक्स केमिस्ट्री ठीक है आपने अगर कोई भी कोड लिया है तो आपका जो पोस्ट कोड जो आपका पोस्ट कोड है लाइक like, ग्रुप ए या ग्रुप बी आपने जो सेलेक्ट किया है तो अगर ग्रुप ए सेलेक्ट किया है तो आपके एग्रीकल्चर बॉटनी जोलॉजी से क्वेश्चन होंगे सिक्सटी मार्क्स के देन अगर आपने कोड बी सेलेक्ट किया है तो आपका एग्रीकल्चर फिजिक्स केमिस्ट्री से क्वेश्चन होंगे अगर आपने अकाउंट्स में एलिजिबल हो तो अकाउंट्स में बी कॉम के लेवल के क्वेश्चन होंगे आपके अकाउंट से क्वेश्चन होंगे सिमिलरली अदर कैटेगरी ठीक है तो आपके यहाँ पे सब्जेक्ट स्पेसिफिक क्वेश्चन होंगे सिक्सटी क्वेश्चन होंगे एंड दे विल बी ऑफ टू मार्कर ईच ठीक है यहाँ पे टाइम ड्यूरेशन आपको 60 मिनट्स का मिलता है पेपर थ्री अगर आप आ, किसी कैटेगरी में हो जहां पे पेपर थ्री भी रिक्वायर्ड है तो वहां पे पेपर थ्री भी होगा अगेन ठीक है किसी किसी में पेपर थ्री होता है तो वहां पे ये पेपर थ्री भी आपको देना होगा नाउ स्टूडेंट्स देखो ये हो गई पेपर वन में क्या आएगा पेपर टू में क्या आएगा नाउ लेट्स सी पेपर वन का पैटर्न क्या है देखो जिनको आप मेन्स में पेपर वन देना है अगैन दे विल गिव पेपर फॉर दे विल गिव एग्जामिनेशन फॉर इंग्लिश रीजनिंग न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड देन जी एस जी एंड यहाँ पे कंप्यूटर अवेयरनेस भी आ जाता है ठीक है पाँच नंबर के आपके कंप्यूटर के क्वेश्चन भी होंगे पैटर्न आप देख लो ट्वेंटी फाइव क्वेश्चन है ट्वेंटी फाइव मार्क्स के एंड यहाँ पे आपको ट्वेंटी मिनट्स मिलते हैं टाइम ड्यूरेशन थोड़ा बढ़ गया फेज टू में ठीक है सिमिलरली आपके रीजनिंग में क्वान्स uh, में एंड जी ए जी एस में ठीक है जीए जी एस के लिए अगर आपका मार्क्स आपका टाइम थोड़ा बढ़ गया है थर्टी मिनट्स क्योंकि यहाँ पे आप कंप्यूटर जीए और आपको अदर सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं और यहाँ पे आपको क्लास टेंथ लेवल का जीएस पढ़ना है क्लियर तो ये है पेपर वन ठीक है अब पेपर वन का पैटर्न समझ आ गया पेपर टू में देखते हैं क्या आता है पेपर टू होता है बेसिकली आपका जो डिसिप्लिन स्पेसिफिक होता है ठीक है जैसे हम बोल रहे थे कि देर विल बी सिक्सटी क्वेश्चन ऑफ योर पर्टिकुलर डिसिप्लिन और वो एक एक क्वेश्चन दो दो मार्क के होंगे ठीक है सो हेर अगेन यू कैन सी नोटिफिकेशन में दिया है अगैन नोटिफिकेशन इस साल आएगा यू कैन अगैन सी द नोटिफिकेशन वहाँ पे क्लियरली मेंशन होता है कि आपका जो पेपर टू है वो सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है जो भी आपने सब्जेक्ट जो भी आपका सब्जेक्ट है या बैकग्राउंड है जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है उसी अकॉर्डिंग आपका पेपर टू होगा ड्यूरेशन विल बी सिक्सटी मिनट ठीक है सो दैट वॉज ऑल अबाउट द एग्जाम पैटर्न आई होप विद दिस वीडियो यू विध दिसरिटी की एफ सी आई का एग्जैक्ट एग्जाम पैटर्न क्या है ठीक है आपका फेज टू होगा फेज टू में जो भी मेरिट लिस्ट बनेगी यू आर डायरेक्टली रिक्रूटेड एज एफ सी आई असिस्टेंट ग्रेड थ्री ऑफिसर ठीक है तो ये कुछ एग्जाम पैटर्न है एफ सी आई का देखो इफ बी सी एग्जाम पैटर्न फेज वन एंड फेज टू में आपका क्वॉन्ट रीजनिंग इंग्लिश जी एस जी एर्स सेम ओनली द डिफरेंस इज इन देपर टू जो आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक है वहाँ पर मेहनत करनी है और फेज़ वन और फेज़ वन की प्रिपेरेशन अगर आप करोगे तो ऑटोमेटिकली फेज़ टू की भी प्रिपरेशन हो जाती है ठीक है तो दैट्स वाई आई थिंक इट इज़ अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल द अदर ऑल द ग्रेजुएट्स ठीक है आप इसको भी एक सीख कर सकते हो अगर आपका कोई एग्जाम हो गया है और आपके पास आगे कोई नोटिफिकेशन नहीं है तो एफ सी आई के नोटिफिकेशन एक्सपेक्टेड है यू कैन स्टार्ट प्रिपेरिंग फॉर इट सो विध दैट आई टेक thank you live thank you everyone thank you so much